तो आज हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप कृष्णा सिटी को देखने जा रहे हैं, जिसमें मात्र 6.5 लाख रुपए का प्लॉट लेकर हम हर महीना 25 से 30 हज़ार रुपये किराया प्राप्त कर सकते हैं और 3 से 4 साल में ही हमारे प्लॉट की कीमत 12 से 15 लाख हो जाएगी, जो लगभग हमारी इन्वेस्टमेंट की डबल होगी। मैं आपको बताऊँगा, हम दिल्ली जयपुर हाईवे पर नीमराना से आगे केशवाना इंडस्ट्रियल एरिया का फ्लाईओवर पार कर NH8 पर खड़े हैं। जो आप देख सकते हैं, ये NH8 चल रही है। यहाँ से केशवाना इंडस्ट्रियल एरिया के फ्लाईओवर से अगला जो फ्लाईओवर, नेक्स्ट फ्लाईओवर जो आएगा, वो पनियाला मोड़ के नाम से आता है। यहाँ हमें NH8 को छोड़कर नीचे सर्विस रोड पर जाना है। हमारे ठीक सामने पनियाला मोड़ का फ्लाईओवर दिख रहा है और यहाँ से हमें सर्विस रोड पर होना है। इसकी अगर हम पहचान करना चाहते हैं तो ये सेफ एक्सप्रेस कोरियर सर्विस का ऑफिस यहाँ पे है। इसके पास से उतर के अब हमें अपनी इस सर्विस रोड पर चलना है। अब हम NH8 के पैरेलल सर्विस रोड पे जा रहे हैं टूवर्ड्स जयपुर। ये आप बोर्ड देख सकते हो, यहाँ से हमें नारनौल के लिए जो निशान लगा हुआ है फ्लावर के नीचे से, वहाँ से हमें टर्न लेना है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारी रोड है, रोड के बराबर में जो खेत है, ये आप जो बाउंड्री देख रहे हो वो रोड से लगभग 20 मीटर अंदर तक है। ये रोड का एरिया वहाँ तक का है जो गवर्नमेंट एक्वायर्ड कर रही है। आप इधर देख सकते हो, इधर ही अपना पूरा हाईवे चल रहा है, साथ में बीच में ग्रीनरी की हुई है गवर्नमेंट ने। ये पूरा हाईवे ग्राउंड बना हुआ है। अभी हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं, ये पनियाला मोड़ है। हमारे सामने जो फ्लाईओवर चल रहा है, ये दिल्ली से आ रहा है और सीधा जयपुर जा रहा है, और सामने फ्लाईओवर के नीचे से जो रोड निकल के आ रही है वो सीधी चंडीगढ़ से नया हाईवे 148B, जिस पर कृष्णा सिटी स्थित है, वो हाईवे सीधा आके इधर से आगे निकल जाएगा, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को टच करेगा, जो गुड़गांव में सोना से मुंबई के लिए जा रहा है। यहाँ से अलवर DMIC हाईवे मात्र 35 किलोमीटर रहेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पे जगह जगह फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये पूरा जंक्शन बनेगा, जैसे दिल्ली में ढोलक हुआ है अपना। यहाँ पे चारों तरफ से फ्लाईओवर है, सामने एक नया फ्लाईओवर आ रहा है, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ISBT बस अड्डा भी बनेगा। जो दिल्ली से जयपुर बसें जा रही हैं वो भी यहाँ पे स्टॉप लेंगी, और जो चंडीगढ़ से अलवर जा रही है वो भी स्टॉप यहीं पे करेंगी। तो ये मेन बस अड्डा बनेगा यहाँ पे। ये सारी दुकानें जितनी हमें दिख रही है, ये सारी एक्वायर्ड हो चुकी हैं। बहुत बड़ा एरिया गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड किया है इसको धोलाकुआ की तरह डेवलप करने के लिए। ये पूरा हाईवे चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं उस पर पूरा ट्रैफिक चल रहा है। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से नारनौल पड़ता है और ये सीधा चंडीगढ़ में जा रहा है हाईवे। हम चंडीगढ़ हाईवे पे चल रहे हैं अभी। पनियाला मोड़ से टर्न लिया है हमने राइट, और मात्र 800 मीटर हमें चलना है। 800 मीटर चलने पर हमारी कृष्णा सिटी ऑन हाईवे पे ही आ जाएगी। हम NH8 से राइट टर्न लेने के बाद मात्र 1 मिनट की ड्राइव कर हाईवे पर 800 मीटर आए हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे यू टर्न है, जिससे हमें यू टर्न लेना है कृष्णा सिटी पर जाने के लिए, और उसके बाद फिर नीचे आके सर्विस रोड से फिर यू टर्न लेना है दोबारे चंडीगढ़ की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक नई लैंड है जिसपे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक नई कजारिया टाइल्स की इंडस्ट्री सुनने में आ रही है। तो ये काफ़ी डेवलप एरिया है जो डेवलप होने लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पहला कट है, यहाँ से हमें यू टर्न लेना है। से पहले
पहले ही यदि रुक जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि सामने पुलिस स्टेशन है और इस पुलिस स्टेशन के पास में 80 बीघा जमीन लैंड और एक्वायर्ड कर ली गई है जो पुलिस लाइन के लिए आएगी। पुलिस लाइन आने का मतलब है कि यहाँ पे 1500 से 2000 फैमिलीज रहने आएंगी, जिनके रहने की वजह से यहाँ पे आसपास में दुकानें, मार्केट और कॉलोनियों के रेट भी बढ़ेंगे, साथ में डिमांड भी बढ़ेगी। हम चलते हैं पुलिस स्टेशन के बराबर में, जो हम वाइट बिल्डिंग, खाली पड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे 116 बीघे जमीन गवर्नमेंट ऑफिस के लिए एक्वायर्ड हुई है, जिसमें यहाँ पे तहसील, RTO ऑफिस, DTO ऑफिस, एक्साइज, ये सभी ऑफिस यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर तहसील आ रही है तो तहसील आने का मकसद मतलब है कि कोटपुतली तहसील यहाँ पे आएगी, जिसमें आज की डेट में 700 वकील हैं और उनके साथ लगभग 700 ही मुंशी भी वर्क करते हैं। तो 1400 लोगों के जब यहाँ पे वर्क करने आएंगे, और तहसील के आसपास जितनी दुकानें होती हैं जैसे चाय वाले की या फिर कंप्यूटर की, टाइपराइटर की, स्टैम्प पेपर वाले की, वो सभी दुकानें भी आएंगी। और वहाँ पे बाहर जितनी दुकानें हैं उन लोगों में से लगभग 50% लोगों ने कृष्णा सिटी में अपनी शॉप्स बुक करवा दी है। ये सामने हम देख रहे हैं कृष्णा सिटी है। अब कृष्णा सिटी जो है वो एल शेप में प्रोजेक्ट है, सामने चंडीगढ़ हाईवे है, बराबर में 80 फीट की रोड जो अभी हमारे सामने है, ये पीछे केशवान इंडस्ट्रियल एरिया जो हम फैक्ट्रीज देख पा रहे हैं वहाँ पे जा रहा है। आने वाले टाइम पे बड़ा बिजी इंडस्ट्रियल एरिया होगा और ये रोड भी बड़ी बिजी होगी, क्योंकि केशवान इंडस्ट्रियल एरिया में आज की डेट में 35 से 40 फैक्ट्रियाँ रनिंग में हैं और आने वाले टाइम में यहाँ पे लगभग 150 फैक्ट्रियाँ होंगी। 40 से अगर 150 हो रही हैं तो 3 गुना इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग रही हैं। तो कृष्णा सिटी में रेट आज 6500 हैं, 3 साल में इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो कृष्णा सिटी का रेट भी 3 गुना लगभग हो जाएगा। ये सभी लोग खुद से आइडिया लगा सकते हैं। अब हम कृष्णा सिटी के सामने मेन हाईवे पर चल रहे हैं। ये हाईवे है, हाईवे के बराबर में ये सर्विस रोड है। सर्विस रोड के बाद कृष्णा सिटी वालों ने अपने जो सामने टाइल्स लगाई हुई है कलरफुल, उसके बाद 15 फीट का ग्रीन एरिया छोड़ा हुआ है, उसके बाद शॉप्स स्टार्ट हैं और फिर प्लॉट्स स्टार्ट हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट। ये 30 फीट की रोड हम देख रहे हैं कृष्णा सिटी में। 3 एंट्रेंस हैं हाईवे से, सभी एंट्रेंस 30 फीट की रोड से पीछे इंडस्ट्रियल एरिया तक लगभग जहाँ तक कृष्णा सिटी जा रही है वहाँ तक कनेक्ट करेंगे। इन्होंने सीमेंटेड रोड भी डाल दी है, दोनों तरफ ग्रीनरी की हुई है, बहुत अच्छी, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट कर दिया है, ग्राहकों ने लेके अपनी शॉप्स बनानी भी स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हो। हम कृष्णा सिटी से सामने खड़े हैं, अभी सामने मैं दिखाने लाया हूँ आपको। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये कृषि विज्ञान कॉलेज है जो अभी रनिंग में है। हाल फिलहाल तो कोरोना के चलते इसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे 1500 सीट्स हैं, 1500 एडमिशन हुए हैं। वो बच्चे जब यहाँ पे आके पढ़ाई के लिए आएंगे तो उनको रहने के लिए आसपास में रेंट पे रूम चाहिएंगे, जो यहाँ पे एक सोसाइटी से कृष्णा सिटी अवेलेबल है, जो वेल डेवलप सोसाइटी है, सभी फैसिलिटी के साथ है, उसमें वो लोग अपना मकान बनाकर यहाँ पे या रूम लेकर रेंट पे रहेंगे, जिससे रेंटल इनकम की गारंटी स्काई रियल ग्रुप कंपनी दे रही है। अब हम खड़े हैं कृष्णा सिटी का जो मेन गेट बनने लग रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिलर इन्होंने खड़े कर दिए हैं, मेन गेट का काम स्टार्ट कर दिया है। सामने रोड्स पे सभी पे सीमेंटेड रोड, सीसी की रोड्स ये रेडी कर चुके हैं, दोनों तरफ रोड के इन्होंने डिवाइडर बना के बढ़िया ग्रीनरी की हुई है, आप देख सकते हो अच्छी ग्रीनरी की हुई है, और 30 फीट चौड़ी रोड्स हैं जो काफी चौड़ी बैठती है। इतनी अच्छी रोड्स, इतनी चौड़ी रोड्स हर सोसाइटी में जल्दी से देखने को नहीं मिलती। ये आप देख रहे हो पूरे ब्लॉक्स की डिमार्केशन कर चुके हैं, जो इन्होंने जैसे अभी इनका ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक की पूरे की डिमार्केशन, पूरे की बाउंड्री कर चुके हैं, और अंदर तो ग्राहकों ने अपने प्लॉट लेके अपने प्लॉट्स की भी बाउंड्री कर दी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, प्लॉट्स की भी बाउंड्री कर चुके हैं ग्राहक। अभी हम 30 फीट की रोड पर चल रहे हैं, सामने हमें दिखाई दे रहा है ये कृष्णा सिटी में पार्क डेवलप किया हुआ है, जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और ग्रीनरी की हुई है। सामने कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, सड़क पे जो काम चल रहा है, डिवाइडर बने हुए हैं पूरी रोड पे, पेड़ पौधे आपने देख ही लिए हैं।
अब मैं आपको कृष्णा सिटी के बारे में सारी कंप्लीट जानकारी दूंगा, जिसमें कृष्णा सिटी जो है वो वेल डेवलप प्रोजेक्ट हो रहा है, जिसमें ये पार्क बना के दे रहे हैं। 30 फीट की सभी रोड्स, 30 फीट की सीमेंटेड रोड देंगे, 1.5 लाख लीटर की पानी की टंकी बनाकर हर प्लॉट पे पानी की फैसिलिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होगी। इसमें पीछे क्लब हाउस जो मकान दिख रहा है, ये क्लब हाउस बना रहे हैं जिसमें स्विमिंग पूल और इसके चारों तरफ पार्क होगा जो टोटल 5000 गज में होगा। उसके बाद पीछे एक जगह में मंदिर बना रहे हैं जिसमें बाबा श्याम का बड़ा मंदिर बनाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट कुल मिला के सभी फैसिलिटी से लैस है। इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर हम एक बाहर अच्छी लोकेशन में, दिल्ली से पॉल्यूशन फ्री दूर लोकेशन में हम मकान बना सकते हैं, अपना रेंटल इनकम भी ले सकते हैं और अपना पैसे को छोटी सी अमाउंट को इन्वेस्ट करके हम आने वाले समय में एक बड़ा रिटर्न भी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट को देखने से लगता है कि जो कृष्णा सिटी वाले दावा कर रहे हैं वो सभी रिटर्न सभी ग्राहकों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।